हेलो गाइस, आई एम तमन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ सीजन की बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस मटर की कचौरी। आजकल मार्केट में ना मटर, फ्रेश मटर बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं, तो आइए हम लोग भी बना लेते हैं बढ़िया बढ़िया सी मटर की कचौरियाँ। चाहे आप उन्हें स्नैक टाइम में लें, चाहे आप उसे टी टाइम में लें, और चाहे बच्चों के लंच बॉक्स में दे दें, या खुद खाने के लिए बनाएं। बस फूली फूली मटर की कचौरियाँ बनाएं। तो उसके लिए ली हूँ मैदा। तो आपको जितनी बनानी हो ना, आप उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो ये मैंने ले लिया है 2 कप मैदा। आप चाहें ना तो 1 कप मैदा और 1 कप गेहूँ के आटे के साथ भी बना सकते हैं। और 1 स्पून मैं इसमें ले रही हूँ नमक। वैसे नमक ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। और ये 1 कप मैं ले रही हूँ इसमें ऑयल। तो आप इसमें ऑयल, घी जो भी लेना चाहें अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो मैं बता देती हूँ, मैं इसका मेजरमेंट बता देती हूँ कि ऑयल कितना था। तो ये 1/4 कप ऑयल है और मेजरमेंट तो गाइज ये 30 ml का कप है। तो अभी इसको आपको ना बढ़िया से मिक्स कर लेना है। जो मैं ये मैंने आप लोगों के साथ में मेजरमेंट शेयर किया ना गाइज, ये परफेक्ट मेजरमेंट है। आप इस मेजरमेंट के साथ में बनाएंगे ना तो आपकी जो कचौरियाँ बन के रेडी होंगी ना, ये गारंटी से फेल नहीं होगी, परफेक्ट फूलेंगी। आप ये हो ही नहीं सकता कि ये फूले नहीं। अच्छा, आपको एक और मैं पहचान बता देती हूँ कि आपको कैसे गैस करना है। अगर आप इस टाइप से इसको ऐसे बनाएं और ये बनाने में ऐसे बनता नहीं है, बिखर जाता है, तो समझ लीजिए कि ये सही नहीं है। अभी इसमें आपको और ज़रूरत है ऑयल या घी की। और इस टाइप से अगर आप बनाते हैं और ये ऐसे बन जाता है, तो समझिए ये परफेक्ट है। अभी इसमें आपको थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करते जाना है और इसका एक सॉफ्ट डो बना के रेडी कर लेना है। वो इसलिए कह रही हूँ सॉफ्ट गैस, क्योंकि हम लोग इसकी रोटी या पराठे नहीं बनाने वाले, हम लोग इसकी कचौरियाँ बना रहे हैं। और जो ये कचौरियाँ हैं ना, तो ये थोड़ा सॉफ्ट रहता है, तभी तो इसे हम हैंड से बढ़ाने पाते हैं। ये भी आप इसे बना सकते हैं सिर्फ हैंड की हेल्प से बढ़ा बढ़ा के। गाइस, मैंने आप लोगों के साथ में ना कई तरह के मटर के पराठों की रेसिपी शेयर की है, मटर की पूरी की रेसिपी शेयर की है, कई तरह के मैंने आलू के पराठों की रेसिपी शेयर की है। अगर आपने नहीं देखा ना, तो एक बार जाकर मेरे चैनल पर ज़रूर विजिट करें। तो बस इस टाइप से करके आपको एक सॉफ्ट डो बना के रेडी कर लेना है। तो बस अभी आटे को हमें छोड़ देना है रेस्ट के लिए 15 से 20 मिनट। तो गाइस, ये मैं ले रही हूँ मटर, हरी मटर, फ्रेश मटर मैंने ली है। आप चाहें तो फ्रोज़न के साथ भी बना सकते हैं। आपको जितनी कचौरियाँ बनानी हो ना, उसके अकॉर्डिंग आप ले लें मटर। और इसके साथ में कुछ चीज़ें और मैंने लिया है, कुछ इंग्रेडिएंट और लिया है। तो ये ली है मैंने धनिया की पत्ती, और ये लिया है मैंने 2 हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च ली है। और ये मैंने लहसुन की कुछ कलियाँ ले ली हैं, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ हैं। और 1 टुकड़ा मैंने ले लिया है अदरक का। तो अदरक को ना गाइस, इसको आपको इस टाइप से कट करके लेना है, क्योंकि इसे ना हम लोग करने वाले हैं ग्राइंड। और अभी आपको एक बढ़िया सी ट्रिक बताती हूँ कि धनिया को, हरी मिर्च को और ये लहसुन की कलियों को हम लोग करने वाले हैं ग्राइंड, बहुत थोड़ा सा वाटर डाल के। और आप अगर शायद किसी भी रीज़न से ग्राइंड नहीं करना चाह रहे हैं, तो एक बढ़िया सी ट्रिक बताती हूँ। आजकल ना विंटर है ना, तो हम लोग मेथी की खिचड़ी तो सभी लोग खाते हैं, तो हरी धनिया पीस के रखते हैं। तो अगर आपके पास में घर में हरी धनिया अवेलेबल है ना, तो पिसी हुई हरी धनिया ले लें। और लहसुन का पेस्ट तो रहता ही रहता है सभी के पास में, अदरक का पेस्ट रहता ही रहता है सभी के पास में। तो बस पिसी हुई धनिया का पेस्ट ले लें, थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट ले लें, अदरक का पेस्ट ले लें, मिक्स कर लें, बस ये आपका एक स्मूथ सा बैटर रेडी हो जाएगा। तो फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ इसे ग्राइंड करने, पर मैंने ये ट्रिक बताई कि आप इस टाइप भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये लहसुन को, ग्रीन चिली को और लहसुन के क्लोव्स को, लहसुन की कलियों को, इन सभी चीज़ों को हमें डाल देना है। और साथ में ये धनिया की पत्तियों को भी डाल देना है। और बहुत थोड़ा सा इसमें हमें डालना है वाटर, 2 से 3 चम्मच, और बस हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। अभी गैस ऑन करनी है और एक लेनी है कढ़ाई। कढ़ाई में मैं ऐड कर रही हूँ 1 बटर का क्यूब। तो बटर जैसे ही मेल्ट होता है, तो इसमें ऐड कर देना है अपने ये हरी मटर को। तो मटर को ना हम लोगों को थोड़ा सा करना है फ्राई। इस टाइप से फ्राई करके अगर हम लोग बनाएंगे ना कचौरियाँ, तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस होगा। और ऐसे बनाएंगे, ग्राइंड करेंगे, तो वो कच्चा कच्चा आता है। तो इस टाइप से आप एक बार बना के देखिए
आपकी कचौड़ियाँ और भी ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी होंगी। तो इसे ज़्यादा देर नहीं, बस 2 मिनट हमें करना है फ्राई। फ्लेम को हाई रखना है, हाई फ्लेम पे इसे हमें इस टाइप से फ्राई करना है। तो बस मटर हमारे हो गए, फ्लेम को कर देना है ऑफ और इसे हमें ठंडा कर लेना है। और ठंडा करके सेम पॉट में इन्हें हमें ट्रांसफ़र करना है और इसे भी कर लेना है ग्राइंड, बस रफली सा, बहुत बारीक, इसका पेस्ट नहीं बनाना। अगर आपके पास में पुदीने के पत्ते हो ना तो थोड़े से इसमें पुदीने के पत्ते भी ज़रूर ऐड कर दें। तो बस हमें कुछ इस टाइप से दरदरा सा चाहिए, बिल्कुल इसका फाइन पेस्ट नहीं चाहिए। तो इसे ट्रांसफ़र कर लेना है गोल में। सेम कढ़ाई लेना है और इसमें ऐड कर देना है घी। तो हमारा घी जो है मेल्ट हो चुका है, तो इसमें ना ऐड कर देना है हींग। 1 स्पून मैंने हींग ऐड कर दी है और इसी के साथ में 1 टीस्पून ही जाएगा इसमें ज़ीरा। और सौंफ डालना बिल्कुल नहीं भूलें, सौंफ से ना फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। आप चाहें ना तो इसे घी की जगह ऑयल में भी बना सकते हैं। फ्लेम को आपको स्लो ही रखना है और इसी स्टेज पे इसमें ऐड कर देना है 1 स्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पून धनिया पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें रेड चिली पाउडर क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च भी पीसी हैं, ग्राइंड की हैं, ब्लैक सॉल्ट, काला नमक ले लें। 1 स्पून इसमें लेना है ड्राई मैंगो पाउडर, खटाई का पाउडर। और अभी मैं ये ले रही हूँ 1 टीस्पून ब्लैक पेपर का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर। और अभी इसमें लेना है गरम मसाला, तो 1 चम्मच लेना है इसमें गरम मसाला, जो चाय का चम्मच होता है बस वही। और अभी इसी के साथ इसमें ऐड कर देना है सफ़ेद नमक और सौंफ का पाउडर। सौंफ का पाउडर डालना आप बिल्कुल भी नहीं भूलें और ना ही स्किप करें, इससे ना फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। अब इन सारे मसालों को हमें अच्छे से स्लो फ्लेम पे ही भूंज लेना है। और इसी के साथ इसमें ऐड कर देना है बेसन। तो बेसन ना 2 चम्मच में भर के ले रही हूँ और इसके मसालों के साथ में ना बेसन को भी अच्छे से हमें भूंज लेना है। इस मसाले को आपको ना बहुत अच्छे से भूनना है जब तक कि इसमें से ना खुशबू नहीं आने लगे, बिल्कुल भी इसमें कच्चापन नहीं रहना चाहिए। तो इस प्रोसेस में ना आपको 3 से 4 मिनट गाइस लगने वाले हैं, तो आप जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें, आराम से इस मसाले को अच्छे से भूंजें। मसाला हमारा बढ़िया से भून चुका है, तो इस स्टेज पर हमें अपने ये मटर का जो बैटर रेडी किया था इसको डाल देना है। और इसी के साथ जो हमने ये हरी धनिया और हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट रेडी किया था वो भी डाल देना है और डाल के अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। अच्छा गाइज, मैंने ना इसमें अदरक और लहसुन भी ऐड किया है। अगर आप अदरक और लहसुन नहीं खाते या किसी भी रीज़न से अभी नहीं फ़िलहाल खा रहे हैं तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। उसके बिना भी आप बनाएंगे तो आपकी कचौड़ियों के टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बिल्कुल वैसे ही डिलीशियस बनेंगी। और अभी मैं इसमें एक सीक्रेट इन्ग्रीडियंट डालने वाली हूँ जिससे कि हमारी कचौड़ियों का जो टेस्ट है ना वो और भी ज़्यादा इन्हेंस होगा, और वो है ये शुगर। अभी आप सोच रहे होंगे शुगर, जी हाँ गाइस, जब हमारी कचौरियों में शुगर डालने के बाद में जो टेस्ट आएगा ना, आप एक बार डाल के देखिएगा, मैं बताऊं कि आपको खुद इस टाइप से टेस्ट आएगा। आप सारी ये टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करिएगा, फॉलो करिएगा, फिर देखिएगा आपकी कचौरियाँ कितनी ज़बरदस्त बनेंगी। तो बढ़िया सा इसे मिक्स करना है जिससे कि इसके अंदर जितना मसाला था ना हमने जो भूंजा था वो सब बढ़िया सा मिक्स हो जाए मटर के साथ में। तो बस अभी फ्लेम को कर दिया है ऑफ और इसे बढ़िया से हमें कर लेना है ठंडा। जब ठंडा हो जाएगा ना तभी हमें अपने स्टफिंग का काम आगे स्टार्ट करना है। तो इसे बढ़िया से अभी इस टाइप से फैलाते हुए आपको ठंडा कर लेना है। गर्म में स्टफिंग आप बिल्कुल नहीं करें, नहीं तो आपकी कचौड़ियाँ जो है ना वो फट जाएंगी। तो अभी आप देख सकते हैं 15 मिनट रेस्ट करे हुए हो गए हैं हमारे डो को, तो इसको हमें थोड़ा सा और बंचिंग कर लेनी है इसके साथ में। और बस ये रेडी है हमारी कचौरियाँ बनाने के लिए।
स्टफिंग करूँ। मैंने अच्छे से खूब फैला दिया था जिससे जल्दी ठंडी हो जाए। तो अभी ये ठंडी हो चुकी है तो इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बोल में। तो इस टाइप से आपको इसमें से लेना है थोड़ा सा पोर्शन और इस टाइप से करते हुए इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेना है इस टाइप से, और बना के इन्हें रख लेना है इस टाइप से। आप चाहें ना तो स्टफिंग रेडी करके रख लें, डो बना के रख लें, और बस सुबह नाश्ते में आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी इन्हें दे सकते हैं। और आटे से हमें इस टाइप से ना बॉल्स बना लेने हैं, इस टाइप से लेना है और इसके बॉल्स बना लेने हैं हमें। तो जितने बड़े आपको कचौरी बनानी हो ना उसके अकॉर्डिंग आप बॉल्स बना लें, इस टाइप से बना लेना है। और फिर इसे हल्का सा आपको इस टाइप से प्रेस करना है और हैंड की हेल्प से आपको इस टाइप से इसे बना लेना है। तो इस टाइप से आपको बनाना है और इस टाइप से लेना है एक बॉल, इसमें रख देना है। जो ये किनारे हैं ना, इन किनारों को आपको ऐसे थोड़ा सा ऐसे खींच के लेना है। तो चारों तरफ से आपको इसे इस टाइप से खींचते हुए लेना है। ये छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स को गाइज आप फॉलो करेंगे ना तो आपकी कचौरियाँ बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली हैं। और बीच में ला के आपको इसे इस टाइप से ऐसे घुमाते हुए, देखिए ये हैंड को भी और ये ऊपर के हिस्से को, दोनों को आपको ऐसे घुमाना है। और जो ये ऊपर का हिस्सा आएगा ना आप इसे थोड़ा सा यहाँ से निकाल दीजिए, बस इस टाइप से आपको इसे हटा देना है और इसे वापस से दबा के इसे अंदर को इस टाइप से कर देना है। और बस लीजिए हमारी ये कचौरियाँ बन के रेडी हो गई हैं। और अभी आपको इसे क्या करना है कि हल्का से ये प्रेस करना है। आप चाहें तो इसे बेल भी सकते हैं और चाहें तो हैंड की ही हेल्प से आप इसे इस टाइप से बढ़ाते हुए कर लें। तो जितनी बड़ी छोटी बनाना कचौरियाँ उतना आप इसे कर सकते हैं, इसी टाइप से आपको सारी कचौरियाँ। चलिए तो एक आपको और बना के दिखा देती हूँ किस टाइप से करना है। तो बस इस टाइप से इसके बॉल बनानी है, जैसे कि हम लोग रोटियाँ बनाते हैं ना सेम उसी ट्रिक से हमें इस टाइप से बॉल बनानी है। और इसे हल्का सा प्रेस करना है और फिर ये अपने थंब को इसके अंदर आपको थोड़ा प्रेशर देना है और दे के प्रेशर आपको इस टाइप से इसके किनारों को, इस जगह को आपको दबाना है। और दबाते हुए आपको इस टाइप से इसे घुमाना है, पूरे हिस्से को इस टाइप से घुमा लेना है। और फिर इसमें इस टाइप से एक बॉल को रख देना है और इन किनारों को आपको ऐसे थोड़ा सा खींचना है, इस टाइप से इसे खींच के ऐसे मिला देना है ये इस टाइप से, और इधर को भी इसी टाइप से आपको ऐसे मिला देना है। और बस ये देखिए ये हो गया। आप चाहें तो ये इस पोर्शन को आपको हटाना है, चाहें तो इसी में आप टक कर दें, बस ये हो गया। और इसको ऐसे घुमा, और ये बॉल बनाने के बाद ये बीच के हिस्से में बहुत हल्के हैंड से आपको इस टाइप से ऐसे प्रेशर देना है और फिर ये हथेली की हेल्प से इस तरह प्रेशर देना है। और इन किनारों को आपको ना, ये जो हथेली का ये पार्ट होता है ना, इससे आपको धीरे धीरे इस टाइप से करते हुए बढ़ा लेना है। तो बस इस टाइप से करके आप बना लें, बहुत ही बढ़िया आपकी कचौरी बनके रेडी हो जाएगी। आपको ना बिल्कुल भी बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए हमारी सारी कचौरियाँ बनके रेडी हो गई हैं। तो चलिए अभी हम लोग इन्हें कर लेते हैं फ्राई। अभी एक कढ़ाई लेना है, उसमें ऐड कर देना है ऑयल। ऑयल हमारा हीट हो गया है तो ऑयल ना हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस हल्का सा ऑयल हमें गरम करना है। और इस टाइप से लेके अपनी कचौरियों को बहुत धीरे से इसमें डाल देना है। आप देख सकते हैं मैंने कचौरियों में अपनी ना स्पून अभी तक नहीं लगाया, कचौरियां हमारी अपने आप ही ऊपर को फ्लोट कर गई हैं। तो अभी चलिए इनके साइडों को चेंज कर देते हैं, बढ़िया से इन्हें कर देते हैं फ्लिप। तो दोनों साइड से अच्छे से इन्हें हमें कुक करना है जब तक इन पे एक अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। तो अभी आप ये देख सकते हैं ना हमारी कचौरियां कितनी बढ़िया से फूल रही हैं। तो चलिए अब निकाल लेते हैं अपनी गर्मा गर्म फूली फूली कचौरियों को। बढ़िया सी हमारी कचौरियाँ बनके रेडी हो गई हैं, बिल्कुल गर्मा गर्म सी हैं।
तो हमारी ये गर्मा गर्म कचौरियाँ बनके रेडी हो गई हैं, जिन्हें सर्व करते हैं इन हरी मिर्ची के साथ। बहुत ही मज़ा आती है, और ये हरी चटनी और इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ इन्हें हम लोग सर्व करते हैं। बहुत ही डिलीशियस बनके रेडी हुई हैं। एक बार इन सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ज़रूर आप भी इन मटर की कचौरियों को बना के देखिए, आपको मज़ा ही आ जाएगी। तो गाइज, आज की ये रेसिपी कैसी लगी? आई होप कि आप लोगों को पसंद आई हो, और फिर आप इसे बनाएं, और बनाने के बाद में आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, और कर लिया सो थैंक यू सो मच। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि इसी टाइप की मेरी अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो आइए जल्दी से इसे मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ कि अंदर से कैसी बनी है। देखिए कितनी बढ़िया अंदर से भी स्टफिंग दिख रही है, और कितनी बढ़िया ज़्यादा करके स्टफिंग भी है, और कितनी कचौरियाँ हमारी देखिए अंदर तक बिल्कुल फुली फुली क्रिस्पी क्रंची दिख रही है ना। ओके गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर गुड वीडियोज़। ओके, टिल देन बाय।